60 गोलियां मरने के बाद भी पुलिस के सामने नाच रहे थे। बचपन में माँ बाप ने उसका नाम सुखबीर रखा, पर वो बड़ा होकर सुखा निकला। माँ बाप के सपने कुछ और थे, लेकिन बेटा किसी और ही रास्ते पर निकल पड़ा। बच्चे माँ बाप के जीवन को तपस्या होते हैं, जो बड़े होकर उनकी परवरिश का आईना बनते हैं। लेकिन सोचिए उन माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी, जिनका बेटा या बेटी अपराध के गंदे और घिनौने रास्ते पर बेखौफ और बेरोक टोक चला जाए। ऐसा लगता है जैसे पूरे जीवन की जमा पूंजी एक ही झटके में लुट गई, और इस लूट की कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उल्टा सवाल परवरिश पर ही उठ जाता है। सुखा कहलवा अपने जमाने का पंजाब का नंबर वन गैंगस्टर था। आइए जानते हैं इसके जीवन की अनकही कहानी हमारे आज के इस वीडियो में, तो आखिर तक जरूर साथ रहिएगा। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया। माँ बाप ने उसका नाम बड़े प्यार से सुखबीर रखा, लेकिन जुर्म की दुनिया ने उसे सुखा के नाम से फेमस कर दिया। पंजाब के करतारपुर में स्थित गांव कहलवा में उसका जन्म हुआ। पंजाब का कहलवा गांव इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहां हर दूसरे घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों में से कोई न कोई देश विदेश में जरूर रहता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यहां के लोग रहा करते थे। जो यहां रहते थे उनके मन में भी विदेशों में रहने के लिए जबरदस्त एक्साइटमेंट होती थी। उनकी जिंदगी का एक ही मोटो रहता था कि वो किसी तरीके से वीजा का जुगाड़ करें और विदेश में जाकर रहें। विदेशों में रहने की चाहत सुखबीर सिंह की फैमिली में भी थी। उसके चाचा और दूसरे फैमिली मेंबर्स विदेशों में रहते थे, लेकिन उसके पिता का वीजा नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से वो कहलवा गांव में ही रहकर खेती बाड़ी किया करता था। सुखबीर सिंह के साथ उसका भाई दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, माता पिता विदेश जाने का प्रयास करते रहे। सुखबीर सिंह की उम्र का 17वां साल उसकी जिंदगी को बदल देने वाला साबित हुआ। उम्र के 17 साल में सुखबीर सिंह के गांव में झगड़ा हुआ, और इस झगड़े में इसका नाम भी लिखा दिया गया। पुलिस ने सुखबीर सिंह को उठा लिया, लेकिन इसी समय उसके माता पिता का अमेरिका का वीजा आ गया, जबकि सुखबीर सिंह का वीजा नहीं आया, और उसके पीछे कारण था उसका पासपोर्ट नहीं बनना। पासपोर्ट के ना बनने के पीछे गांव का ही वही झगड़ा था जिसमें सुखबीर सिंह का नाम लिया गया। माता पिता सुखबीर सिंह को उसकी मौसी और भाई के हवाले छोड़कर अमेरिका चले गए। सुखबीर के लिए वो सोच रहे थे कि इसका पासपोर्ट बनते ही वीजा भी भेज दिया जाएगा और फिर इसको भी अमेरिका बुला लेंगे। इस बीच में सुखबीर को एक लड़की से प्यार हो गया और बाद शादी की आ गई। लड़की किसी रिजोर्ट के मालिक की बेटी थी। परिवार में रुपए पैसे और संपन्नता की कमी नहीं थी। लड़की के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सुखबीर की हैसियत और उनके परिवार की हैसियत में बड़ा अंतर था। लेकिन फाइनली 21 साल की उम्र में सुखबीर ने उसी लड़की से शादी की जिससे वो प्यार करता था। इसके बाद दोनों आगे अपनी तरक्की के लिए वीजा की कोशिश कर रहे थे। इस बीच सुखबीर की पत्नी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिला और ऑस्ट्रेलिया चली गई। सुखबीर एक बार फिर अकेला रह गया, लेकिन फिर कुछ तिगड़म काम आई और सुखबीर का पासपोर्ट बन गया। ऑस्ट्रेलिया से उसकी पत्नी ने उसे वीजा भेज दिया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया जाकर वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन सुखबीर बेरोजगार था। उसकी पत्नी जॉब करती थी, सुखबीर घर में रहकर घर के काम किया करता था। आगे चलकर दोनों में झगड़े होने लगे और एक फाइनली एक दिन सुखबीर अपनी बीवी को बिना बताए इंडिया वापस आ गया। उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो जुर्म की दुनिया में काम कर रहे थे। यहीं से उसके भी अपराध की दुनिया में आने का रास्ता खुला। आगे चलकर उसने कत्ल किया, जिसके आरोप में उसे पकड़ा गया। इस बीच सुखा की बीवी ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान आई और उसे सुखा के कारनामों के बारे में पता चला, तो उसने सुखा से डाइवोर्स ले लिया। उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई और सुखा कहलवा गांव छोड़कर जालंधर चला गया। इसके बाद सुखा कहलवा ने कई हत्याएं की। उसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती, रोबरी, अवैध वसूली जैसे कई मामले चलने लगे। इस बीच वो जेल में चला गया, लेकिन जेल में रहकर उसने अपने कारनामे जारी रखे। सोशल मीडिया का उसने काफी अच्छा इस्तेमाल किया। जेल में रहकर वो जेल के भीतर की तस्वीरें वीडियो अपलोड करता था। साथ ही अपने जितने भी अपराध उसने किए उन अपराध की कहानियां काफी बढ़ चढ़कर उसने अपलोड की। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते चले गए और आगे चलकर इनकी संख्या लाखों में हो गई। आगे चलकर ये पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। लेकिन इधर अधिकारियों के कान खड़े हो गए। जेल में मोबाइल अलाउड नहीं था और ये मोबाइल का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा था। जेल के भीतर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था। सुखा कहलवा की पुलिस से 4 मुठभेड़ हुई, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उन चारों में वो बच गया। एक बार उसकी जब पुलिस से मुठभेड़ हुई तो वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। वहां से भागकर राजस्थान गया, देश के अलग अलग राज्यों में रहा, मध्य प्रदेश भी गया। लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश में रहते हुए उसकी मुलाकात वहां के वांटेड गैंगस्टर यामीन से हुई। दोनों साथ में रहते, लूटपाट करते। इसी दौरान वो एक बड़ी जोहरे को लूटते और लूटे गए
सोने की जब बंटवारे की बात आती है तो यामीन और सुक्खा कहलवा में झगड़ा हो जाता है। सुक्खा कहलवा यामीन के इलाके में था, इसलिए उसके लोग सुक्खा का गला रेत कर उसे नदी में फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो बच जाता है और अपना इलाज कराकर ठीक हो जाता है। इसके बाद वो फाइनली पकड़ा भी जाता है। वो एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाता है, लेकिन उसे जमानत मिल जाती है। बाहर आने के बाद वो अपने एक दोस्त और गैंगस्टर लवली की हत्या कर देता है, जिससे लवली के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लवली की हत्या के आरोप में सुक्खा कहलवा एक बार फिर गिरफ्तार होता है। लवली का एक साथी सोनू बाबा सुक्खा की धमकी के बावजूद अदालत में उसी के सामने सुक्खा के खिलाफ गवाही देता है। सुक्खा उसे जज के सामने ही धमकी देता है, जिसके जवाब में सोनू बाबा उसे थप्पड़ मार देता है। लेकिन सुक्खा कहलवा अपनी धमकी पर अमल करने वाले लोगों में से था, जिसके चलते सोनू बाबा को डर लगने लगा कि जिस दिन सुक्खा बाहर आएगा वो उसे जान से मार देगा। इसलिए उसने सुक्खा को मारने की सुपारी पंजाब के दूसरे गैंगस्टर विक्की गोंडर को दे दी। 21 जनवरी 2015 को सुक्खा कहलवा की पेशी थी और ये पेशी लवली मर्डर केस में थी। सुक्खा कहलवा को घेर कर मारने की पूरी प्लानिंग पहले से ही रची जा रही थी। पहले ये डिसाइड किया गया कि उसे तो कोर्ट परिसर में ही मारा जाएगा, लेकिन कोर्ट परिसर में खतरा ज्यादा था, इसलिए कोई ऐसा सेफ साइट देखा जा रहा था जहां उसे मारने के बाद वहां से सुरक्षित बचकर भागा जा सके। इधर सुक्खा कहलवा जेल से जब भी पेशी पर जाता था तो जेल पुलिस के साथ साथ उसके अपने गैंग के लोग भी उसकी सुरक्षा किया करते थे। लेकिन 21 जनवरी को उसके अपने गैंग के ही किसी सदस्य के यहाँ कोई फंक्शन था, सारे के सारे दोस्त वहाँ गए थे। इस दिन सुक्खा कहलवा की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के अलावा कोई भी नहीं था। पुलिस वैन में 6 पुलिस वालों के साथ दिन के वक्त सुक्खा कहलवा को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। पेशी तो ठीक ठाक हो गई, लेकिन पेशी के बाद इसे जब जेल ले जाया जा रहा था तो जालंधर अमृतसर हाईवे पर एक CRPF का कैंपस पड़ता है और उससे 1 या 2 किलोमीटर दूर पर फगवाड़ा का एरिया पड़ता है। इस एरिया से जब पुलिस वैन गुजरती है तो उसे 2 SUV ब्लॉक कर लेती है। पुलिस की गाड़ी को रोककर उसमें मौजूद पुलिस वालों को 15 से 20 लोग हथियारों के दम पर नीचे उतारते हैं और पुलिस वालों के हथियार अपने कब्जे में करके उन्हें एक तरफ खड़ा कर देते हैं। उसी वैन में एक दूसरा कैदी भी मौजूद रहता है। उसे छोड़कर सभी की बंदूकों का निशाना सुक्खा कहलवा की तरफ आ जाता है। गोलियां चलना शुरू हो जाती है तो कम से कम 7 से 8 मिनट तक गोलियां चलती हैं और जब उन्हें ये लगता है कि अब सुक्खा कहलवा अब मर चुका है तो वो गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। पुलिस वालों से वैन की चाबी लेकर सुक्खा कहलवा की लाश बाहर निकालते हैं, उसे सड़क पर रखते हैं और उसके चारों तरफ भांगड़ा डांस करते हैं। उसके बाद पुलिस वालों के हथियार उन्हें देकर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक 60 गोलियां सुक्खा कहलवा के शरीर में मौजूद रहती है। हालांकि ये बात भी सामने आई थी कि उसे कुल 100 गोलियां लगी थी। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में सुक्खा कहलवा की मौत का जिक्र था। खबर पाकर अमेरिका में सुक्खा के माता पिता भी यहां आते हैं और बताते हैं कि 6 महीने पहले सुक्खा कहलवा ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कि उसे पुलिस की कस्टडी में ही मारा जाएगा। उसने अपने कातिलों का नाम भी लिखा था, जिसमें विक्की गोंडर और सोनू बाबा का भी नाम था। लेकिन सुक्खा कहलवा के मर्डर की जांच और उसके बाद अदालत के फैसले में न्याय की किस तरह धज्जियां उड़ी वो आप समझ सकते हैं। सुक्खा कहलवा के मर्डर में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से 2 का एनकाउंटर साल 2018 में हुआ, 1 आरोपी फरार था, बाकी 8 आरोपी साल 2019 में अदालत के फैसले में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अदालत का कहना था कि इस मामले में इन आरोपियों के पास से जो हथियार बरामद हुए और सुक्खा कहलवा के शरीर से जो गोलियां मिली वो मैच नहीं करती है। इसका मतलब है कि इनके हथियार से गोलियां नहीं चली और उन्होंने हथियार नहीं चलाया। पुलिस ने 2 SUV होने की बात कही थी, लेकिन वहां पर ये माना गया कि SUV एक ही थी और एक SUV में इतने सारे लोग बैठकर नहीं आ सकते हैं, तो इन कारणों से इन सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। हत्या में इस्तेमाल 2 SUV में से एक को तो पकड़ा गया था, लेकिन दूसरे का पता नहीं चला। बाद में इस हत्या में शामिल ये SUV पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर इंद्रजीत के प्रीमाइसिस में मिली। बाद में इस इंस्पेक्टर की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन ड्रग्स और दूसरे मामले में इन्हें अरेस्ट किया गया। ये बात भी सामने आई कि सुक्खा कहलवा की हत्या बाकायदा अपराधियों के साथ पंजाब पुलिस की सांठगांठ का नतीजा थी। आपका इस मामले में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए, लेकिन ये बात तो तय है कि हर अपराधी के 3 ही अंजाम होते हैं, या तो जेल की काली कोठरी या फिर पुलिस की गोली या दुश्मन की गोली। सुक्खा कहलवा का अंजाम दुश्मन की गोली था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।